आए दिन सड़क पर गुटखा, खर्रा और तंबाकू खाकर लोग सड़कों पर थूकते रहते हैं। इससे कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है। अब जो कोई भी सड़क पर थूकते हुए दिखाई देगा उस पर 1,000 रुपयों का जुर्माना और जेल की हवा खाने को मिलेगी, ऐसा आदेश मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने दिया है। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके और भी कुछ वजह है लेकिन मुख्य वजह है सड़क पे थूकने की। थूकने से उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वे स्प्रेड होकर दूसरों को वे प्रभावित कर सकते। ऐसे में शहर की सड़कों पर थूकने वाले के खिलाफ मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे इन्होंने 1,000 रुपए जुर्माना और जेल की बात कही है। यदि जो इस बात का पालन नहीं करेगा उसे सख्त उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए मनपा का एक पथक पूरी तरह से तैयार है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पीछे में कौन है और आपको आप सड़क पे थूकते ही आपको धर दबोच लिया जाएगा। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसका संक्रमण बढ़ती जा रहा है। इसकी संक्रमकता रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, मगर कुछ शहर के ऐसे भी लोग हैं जो खर्रा, पान और तंबाकू खाकर धड़ल्ले से सड़कों पे थूकते हैं और उन्हीं के थूकने से उसके अंदर भी कोरोना वायरस के संक्रमण और भी पनप सकते हैं और लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं। अब इसके ऊपर में मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे इन्होंने आदेश दिए हैं कि जो भी खर्रा खाते हुए या थूकते हुए सड़क पे दिखाई देगा उसे 1,000 रुपए जुर्माना और जेल भी होगी। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।